हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। आज हम हमारा चैप्टर जेंडर लिंग वाला जो चैप्टर है उसका दोहरान करेंगे। यह हमने पहले भी पढ़ा है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में मैंने अप्रैल में आपको पढ़ाया था, लेकिन फिर से हम रिवीजन करेंगे। कुछ बच्चों के प्रॉब्लम आ रही हैं, फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर दिया हुआ है दौड़ प्रतियोगिता। ओके, इस चैप्टर में हमें किसके बारे में बताया गया है, लिंग के बारे में। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, दो ही लिंग होते हैं हिंदी में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज नए साल का पहला दिन है, जंगल में दौड़ हो रही है। जंगल में क्या हो रही है, दौड़ प्रतियोगिता, रन का कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, दौड़ प्रतियोगिता हो रही है, फिर दावत होगी। कौवा पेड़ पर बैठा आंखों देखा हाल बता रहा है। कौवा कहाँ बैठा है, पेड़ पे बैठा है, और वो सारी जो दौड़ प्रतियोगिता हो रही है उसका आंखों देखा हाल बता रहा है। जैसे आप लाइव टेलीकास्ट देखते हो उसी तरह से वो भी आपको लाइव बता रहा है, यानी जो देख रहा है वो बता रहा है। काव काव, आज की दौड़ में जो जो दौड़ेंगे मैं उन सब से आपको मिलवाता हूँ। हमारे साथ शेरनी जी भी हैं, वे इनाम देंगी। शेरनी जी अब जंगल की रानी हैं, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है, तो शेरनी क्या हुई, जंगल की रानी हुई। वो क्या करेगी, जो बड़ा होता है, राजा या रानी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इनाम देने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हिरन, हथिनी, बंदर, मोरनी, हाथी, हिरनी, मोर, चूहा और नटखट बंदरिया सब दौड़ने के लिए तैयार है। देखो देखो, चिंकी चूहिया भी भागी भागी आ रही है। जो चूहिया है उसका नाम भी चिंकी निकाल रखा है। देखिए सारे के सारे जानवर यहाँ पे हैं, जिनके नाम यहाँ ऊपर हमें बताए हैं, कौन कौन से हैं, हिरनी, हथिनी, बंदर, मोरनी, हाथी, है ना, हिरन, मोर, चूहा और नटखट बंदरिया सब दौड़ने के लिए क्या है, तैयार है। सबके सब लाइन बनाए खड़े ना, आप लोग भी दौड़ करते हो तो आपको भी ऐसे लाइन में खड़ा करते हैं ना हम लोग, कि सीधी लाइन बना लो, फिर आपको बोलेंगे 1 2 3 स्टार्ट, तब आप दौड़ते हो। वैसे ही ये भी लाइन में खड़े हैं सबके सब। कुछ ही देर में दौड़ शुरू होगी। शेरू जी दौड़ शुरू होने की सीटी बजाएंगे। शेरू जी यानी शेर, देखिए शेर के पास सीटी है, जो सीटी बजाएगा दौड़ शुरू होने की। अब सीटी बजाएगा, पी, उसने सीटी बजा दी। हिरनी ने यह प्रतियोगिता जीत ली। हिरनी सबसे आगे दौड़ी और उसको देखो शेरनी जो है वो इनाम दे रही है, तो हिरनी ने यह प्रतियोगिता जीत ली है। अब आपने यह देखा, हमने ये चैप्टर तो पढ़ा, एक दौड़ प्रतियोगिता के माध्यम से चैप्टर है, जिसके अंदर जानवरों की दौड़ प्रतियोगिता जंगल में हो रही है। लेकिन आपने यह देखा कि यहाँ पे दो तरीके के जानवरों के नाम दिए गए हैं, एक है पुरुष जाति का और दूसरा है स्त्री जाति के। ओके, इसी तरह से पुरुष जाति और स्त्री जाति में मनुष्य भी डिवाइड होते हैं। तो जो व्यक्ति या प्राणी स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री, जो व्यक्ति या प्राणी पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है ये वाले, इनके अंदर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द दिए हुए हैं, ये आपको लर्न करने हैं। जैसे लड़का का क्या होगा, लड़की, पति का पत्नी, बेटा का बेटी, पुत्र का पुत्री, शिक्षक का शिक्षिका, गायक का गायिका, काका काकी, ग्वाला ग्वालिन, माली मालिन, लेखक लेखिका, छात्र छात्रा, सहपाठी सहपाठिन। इस तरह से जानवरों के अंदर ये आता है, शेर शेरनी, बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, हाथी हथिनी, हिरन हिरनी, चूहा चूहिया, बैल गाय, बंदर बंदरिया, चींटा चींटी,
अब चींटी ही बोलते हैं हम अधिकतर, लेकिन इसका पुल्लिंग क्या होगा? चीटा। मोर का स्त्रीलिंग मोरनी, घोड़ा का घोड़ी, बाघ का बाघिन। इस तरह से प्राणियों और मनुष्यों के अंदर, मतलब प्राणियों में जब मनुष्य भी है और भी पशु पक्षी होते हैं, उनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग विभाजित किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए भेजूंगी, जो बुक के अंदर आपकी है वो आपको करके मुझे सेंड करनी है। ओके, थैंक यू।